हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे, हम कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन फिजिक्स गैलेक्सी बुक का पूरी जो सीरीज आती है, सेंगेज बुक की जो फिजिक्स की आपकी पूरी सीरीज आती है, और जो आपकी पियर्सन की जे एडवांस की फिजिक्स की पूरी सीरीज आती है। तीनों सीरीज का हम कंपैरिजन करने वाले हैं आज, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टाइप के स्टूडेंट हैं और आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करने वाले हैं फिजिक्स गैलेक्सी बुक। अगर मैं ओवरऑल मेजर डिफरेंस की बात करूं तो आपकी फिजिक्स गैलेक्सी जो बुक की सीरीज आती है वो है आपकी 5 बुक की आपकी सीरीज आती है, सेंगेज की जो आती है आपकी 6 बुक्स और प्लस 6 बुक की 6 डीपीपी शीट्स की आपकी सीरीज आती है, और पियर्सन की आपकी 7 बुक्स की सीरीज आती है। अब हम जैसे कि डिस्कस किया था फिजिक्स गैलेक्सी बुक का रिव्यू करते हैं। फिजिक्स गैलेक्सी बुक का हमने अभी मैकेनिक्स का लिया है। मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो आपका ये लेटेस्ट एडिशन है और हम आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो फिर मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने मेजरली जो मेजर यूनिट जिसमें इन्होंने डिवाइड किया हुआ है वो ये है, इन्होंने 7 यूनिट्स में टोटल डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है आपका काइनेमैटिक्स, फोर्सेज एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जिसमें इन्होंने फ्रिक्शन को भी कवर अप किया हुआ है। फिर आता है आपका वर्क पावर एनर्जी, फिर आता है आपका लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, फिर आता है आपका रोटेशनल मोशन, देन ग्रेविटेशन एंड एट लास्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें आपको एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एचसीवी जैसे आपको डिस्कशन क्वेश्चंस भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और साथ के साथ आपको ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। हम एक एग्जाम्पल को लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी काइनेमैटिक्स चैप्टर की बात करें तो काइनेमैटिक्स चैप्टर में इन्होंने 1D, 2D और आपका 3D के रिलेटेड जो जनरल प्रॉब्लम्स आते हैं, साथ के साथ इन्होंने रिलेटिव मोशन को भी इस यूनिट में कवर अप किया हुआ है एक ही साथ। इसमें सबसे पहले आपके इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया हुआ है, काफ़ी सारे बुक्स का एक्सट्रैक्ट आपको इसमें मिल सकता है। साथ के साथ इन्होंने A to Z सारी चीज़ों को बताया हुआ है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस पे इनका, मेरी ऑब्जर्वेशन जो है, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चंस कई बार बच्चों को इनिशियली थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, उस पर इनका ज़्यादा फोकस है। साथ के साथ इन्होंने इनफ नंबर ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसको इन्होंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज के नाम से दिया हुआ है। ग्राफिकल क्वेश्चंस को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है सिमिलरली, तो फिर आते हैं आपके सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं डिस्कशन क्वेश्चंस। डिस्कशन क्वेश्चंस आपको जैसे दूसरी बुक्स में भी मिलते हैं, वैसे ही इन्होंने डिस्कशन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डिस्कशन क्वेश्चंस आप अपने टीचर्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके इन्होंने एज सच आंसर की नहीं गिवन है, ये आपके टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करते हैं और आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए मजबूर करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ सिचुएशंस के लिए। इसमें आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, ये जनरल क्वेश्चंस आपसे फिजिक्स के रिलेटेड पूछे गए हैं इसमें। फिर आते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू सिंगल करेक्ट, जो कि आपके मेंस के और एडवांस के जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि न्यूमेरिकल नहीं होते, जिसमें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो ये इंक्लूड करता है। इसमें इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर मैं काइनेमैटिक्स की बात करूँ तो इन्होंने 35 कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज दे रखे हैं। फिर आता है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसमें इन्होंने जेई एडवांस के इजी और मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किया हुआ है। न्यूमेरिकल के बात करें अगर हम न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, तो इन्होंने 111 क्वेश्चंस दे रखे हैं, विच आर मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रैक्टिस। एडवांस एमसीक्यूज आते हैं फिर आपके, एडवांस एमसीक्यूज में इन्होंने प्रॉपरली एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। इजी मीडियम टफ तीनों क्वेश्चंस आपके कवर्ड हैं। जब आपके एडवांस एमसीक्यूज कवर होते हैं तो शुरू होते हैं आपके अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर NACP, INPHO एंड IPHO। इसकी स्पेशल बात मुझे ये लगी कि इन्होंने जो है आपके एडवांस के ऊपर लेवल के क्वेश्चंस या फिर एडवांस के जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको इन्होंने अच्छे से कवर किया हुआ है, और ये बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने पर मजबूर करते हैं। ऐसा मत, इस एक्सरसाइज के लिए मैं जो आपको एडवाइस देना चाहूँगा वो मैं ये एडवाइस रहेगी कि आप बाकी एक्सरसाइजेस को चाय टाइमर के साथ अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन इस एक्सरसाइज को जो है आप आराम से टाइम फ्री लेकर जितना टाइम भी आपको क्वेश्चन में लगे आप उसको डिवोट कीजिए, और क्वेश्चन को रादर देन स्पीड
क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें कि बस आपको जितना मर्जी भी टाइम लगे लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसमें जो है आपको काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। स्पेशली जैसे कि जैसे जैसे आप एंड के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो उन्होंने काफी अच्छे अच्छे ओलंपियाड क्वेश्चंस ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। सिमिलरली सारे चैप्टर्स का इन्होंने कवरेज किया हुआ है। ये बुक किन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है मैं ये बताता हूँ। जिन बच्चों को थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना, उनको क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल हाई लेकर जाना है, और जिन बच्चों को ऐसा होता है कि उन्हें थ्योरी पे कम फोकस करके जिनके क्वेश्चंस ज्यादा करने से कॉन्सेप्ट्स अच्छे बिल्ड होते हैं, ये बुक उन बच्चों के लिए बेस्ट है। इसके साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि वो टफ क्वेश्चंस कर लेंगे तो उनसे इजी लेवल के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, तो वो भी इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट बुक पे, दैट इज सेंगेज फिजिक्स सीरीज। तो अब हम देखते हैं आपकी सेंगेज की जो 6 बुक की सीरीज आती है उसके फिजिक्स की जो सीरीज आती है उसका हम अब देखते हैं उसका रिव्यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस बुक का स्पेशल फीचर ये है कि इसमें एक तो क्वेश्चंस आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, और साथ के साथ इन्होंने 6 DPPs में 6 बुक के साथ हर बुक के साथ एक DPP दी हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अगर आपको फिजिक्स गैलेक्सी बुक सीरीज खरीदनी है या फिर सेंगेज की बुक सीरीज को खरीदना है या फिर पियर्सन की जेई एडवांस सीरीज को खरीदना है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप या तो पूरी सीरीज को खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम एक बुक को मैकेनिक्स 1 का अब हम एक चैप्टर का एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि उन्होंने ओवरऑल चैप्टर्स को कैसे कवर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चैप्टर उठाता हूँ जैसे कि आपका बेसिक मैथ्स वगैरह भी जो बाकी बुक्स में कई बार नहीं होता है उस चैप्टर को भी इन्होंने दिया हुआ है। फिर अब मैं अगर काइनेमैटिक्स का एग्जाम्पल लेके देखूँ तो इन्होंने काइनेमैटिक्स को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज काइनेमैटिक्स 1 एंड काइनेमैटिक्स 2। काइनेमैटिक्स 1 में आपको 1D के क्वेश्चंस मिलेंगे और 1D में जो आपका रिलेटिव मोशन होता है आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोर्ड एग्जांपल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और काइनेमैटिक्स 2D में आपको 2D प्रोजेक्टाइल एक्सेट्रा के क्वेश्चंस मिलेंगे और रिवर बोट प्रॉब्लम्स और रेनफॉल मैन प्रॉब्लम्स भी आपको 2D में मिलेंगे। काइनेमैटिक्स 1 की अगर हम बात करें तो इसमें सेंगेज की जो बुक की स्पेशलिटी है वो ये है कि इन्होंने क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पे भी काफ़ी अच्छे से फोकस किया हुआ है। साथ के साथ ये 2 कलर प्रिंट में है और इसमें डायग्राम्स जैसे कि आप देख सकते हैं विजुअलाइजेशन को ट्रिगर करते हैं बच्चे की, और काफ़ी अच्छे से बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। इन्होंने डायग्राम बेस्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कलर बेस्ड डायग्राम्स इन्होंने दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन ना लिखने के बजाय, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैन जॉब कर रहा है तो उसको सिंपल क्वेश्चन लिखने के बजाय इन्होंने साथ के साथ उसका एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये इसका ऐसे एग्जाम पर्पज से कोई ज़्यादा यूज नहीं है लेकिन बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है इसलिए इनका ये मेथड मुझे काफ़ी ही अच्छा लगा। ऐसे ही इन्होंने सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्होंने बीच बीच में जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड किया हुआ है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस को इन्होंने काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और उसमें भी आपको NCERT मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर मैं ओवरऑल काइनेमैटिक्स चैप्टर की सिमिलरली बात करूं तो इन्होंने काइनेमैटिक्स 1 के टोटल आपके 5 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस दी हुई है, और जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं वैसे इन्होंने 12 क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो वैसे ही आपको अराउंड 50-60 क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस में मिल जाते हैं। इन्होंने टोटल इलस्ट्रेशंस की अगर हम बात करें तो 4.68 इलस्ट्रेशन तक है आपकी, तो टोटल 68 इलस्ट्रेशंस को इन्होंने दिया हुआ है। फिर आते हैं आपके सॉल्व एग्जांपल्स। जो मुझे इस बुक की एक खास बात लगी वो ये है कि इन्होंने इलस्ट्रेशंस में आपके NCERT और मेंस लेवल के टफ क्वेश्चंस और एडवांस के इजी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, और आपके सॉल्व एग्जांपल्स में आपके एडवांस के इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं सारे। सॉल्व एग्जांपल्स मुझे इनके काफ़ी अच्छे लगे और इसमें ये विजुअलाइजेशन को ट्रिगर करने वाले हैं जैसे कि मैंने कहा। फिर आती है आपकी एक्सरसाइजेस जो कि आपको स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस की तरफ ले जाती हैं और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाता है और एडवांस के ये इजी और मीडियम क्वेश्चंस को सारे कवर करती है। लास्ट में आपके कुछ आर्काइव्स भी गिवन हैं जो आपके लास्ट के 9 to 10 years के क्वेश्चंस हैं उसके जे मेंस और एडवांस के रिस्पेक्टिवली जो चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इन्होंने दिए हुए हैं। साथ के साथ मैं आपको इस बुक की एक खास बात बताऊं तो इन्होंने न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस सारे इन्होंने कवर किए हुए हैं जो कि इस बुक की काफ़ी अच्छी बात है। सिमिलरली इन्होंने सारे चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। ऐसी आपकी 6 बुक की सीरीज है।
अगर आप पूछ रहे तो ये किस बच्चों के लिए रिकमेंडेड है, ये उन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है जिन्हें कंसेप्ट सीखने में एक भाई थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उनको क्वेश्चंस करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये उन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है जिन्हें थ्योरी पे काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, साथ के साथ जिन बच्चों को इजी और मीडियम क्वेश्चंस करने से उनको लगता है कि उनकी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से जिनकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, ये उन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड सीरीज, दैट इज पियर्सन जेई एडवांस सीरीज। अब अगर हम पियर्सन की जेई एडवांस फिजिक्स सीरीज की बात करें तो इसमें टोटल 7 बुक्स की आपकी सीरीज आती है। ये भी काफ़ी ऑथर ने इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है और ये भी परफेक्टली क्राफ्टेड बुक है। ये आपकी पियर्सन पब्लिकेशंस की बुक आती है। ये भी आपके जेई एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड टीचर्स की तरफ से रहती है। अब हम इसका देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। रीज़न इसका ये है बेसिकली कि इन्होंने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को जैसे सेंगेज की तरह ही कवर किया हुआ है। इसमें और सेंगेज में आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, माइन्यूट डिफरेंसेस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इनकी थ्योरी दोनों की ही काफ़ी अच्छे से कवर्ड है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से कवर की हुई है थ्योरी और आपको इसमें कोई भी कमी थ्योरी में नहीं मिलेगी। साथ के साथ इन्होंने मिस्टेक्स भी इस बुक में आपको बहुत ही नेग्लिजिबल मिस्टेक्स मिलेंगी, मुझे अब तक इस बुक में कोई भी मिस्टेक नहीं मिली है। साथ ही साथ इन्होंने भी डायग्राम्स के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है, इनफ नंबर ऑफ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स गिवन है और क्वेश्चंस की क्वांटिटी की अगर आप बात करें तो वो भी इन्होंने काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस और काफ़ी सारे क्वांटिटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक काइनेमैटिक्स 2 2D की बात करें तो उसमें इन्होंने भी सेंगेज की तरह ही दे रखा है। टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स के नाम से इनकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज है, आपको लास्ट में इसके आंसर की मिल जाती है और लास्ट में जो हाफ बुक है वो आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अगर इस बुक की बात करें तो ये किन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है, सिमिलर टू सेंगे जिन बच्चों को थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है और जिनको क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है या फिर जिनको बिल्कुल ही हैंड पिक चॉइस क्वेश्चंस चाहिए लाइक कोचिंग मटेरियल, वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसकी जो एक मेजर एडवांटेज मुझे ये लगी कि इन्होंने जो आपके AIEEE और जे एडवांस के और जे मेन्स के जो क्वेश्चन है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड है। साथ के साथ एक्सरसाइजेज में भी इन्होंने हर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप, मैट्रिक्स मैच, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इंटीजर आंसर टाइप, 1 और 2 टाइप, इंटीजर टाइप, सारे क्वेश्चंस इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। साथ के साथ आपको डायग्राम्स भी इसमें इनफ मिलेंगे। ये बुक भी जो है आपको 2 कलर प्रिंट में मिलती है। अगर आप ओवरऑल मेरा कंक्लूजन माने तो फिजिक्स गैलेक्सी आपके मेजरली आपके क्वालिटी क्वेश्चंस और कम क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करती है और इसका फोकस थ्योरी पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम है और क्वेश्चंस की डिफिकल्टी पे थोड़ा ज़्यादा है। सेंगेज का फोकस मेनली थ्योरी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे है। पियर्सन का जो मेन फोकस है वो थ्योरी इसकी लिमिटेड है लेकिन अच्छी क्वांटिटी में दी हुई है और क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी और क्वेश्चंस की क्वालिटी भी इसमें काफ़ी अच्छे से दी हुई है। बेसिकली मैं कोई भी ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकता कि ये बुक बेस्ट है या ये इससे अच्छी बुक है, क्योंकि तीनों ऑथर्स ने अपना बेस्ट किया हुआ है, ये इस बुक की एफर्ट से क्लियरली पता चल सकता है। एक एक क्वेश्चन इस बुक में तीनों बुक्स में काफ़ी अच्छे से लिखा गया है और ऑथर्स और पब्लिशर्स की एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इसमें लगी है। पियर्सन बुक का लिंक भी आपको पूरी सीरीज और इंडिविजुअल बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कौन सी बुक्स का आप रिव्यू चाहते हैं या फिर किन बुक सीरीज का आप कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं या कौन से कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट्स का आप मटेरियल का रिव्यू चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि उनका रिप्लाई करूं और मटेरियल या बुक्स जो भी आप चाहते हैं उसका हम नेक्स्ट रिव्यू लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।